Hey guys, मैं हूँ चेतन गेमिंग जो से आप देख रहे हैं Redmi 9 Prime का एक गेमिंग रिव्यू और यह है Redmi 9 Prime जो आ रहा है Helio G80 चिपसेट के साथ और इसके साथ मान लीजिए 52 GPU है यहाँ पर और मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 4GB RAM वेरिएंट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस क्या मिल रहे हैं ग्राफिक सेटिंग्स में PUBG मोबाइल में, पहली बात आपको मिल रहा है स्मूथ एंड अल्ट्रा, उसके बाद यहाँ पर बैलेंस्ड में आपको मिल जाएगा अल्ट्रा HD में हाई मिलेगा, मतलब 30 FPS मिलेगा। मैं यहाँ पर ट्राई तो कर रहा हूँ, अभी के लिए मेरे पास गेम बेंच का जो अकाउंट है वो एक्सपायर हो चुका है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ लैपटॉप से कोशिश करने का इसका रिकॉर्ड करने के लिए, बट लेट्स सी अगर कुछ यहाँ पर दिख रहा है नहीं, मुझे पता नहीं, लेट्स सी कि रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, बट अभी के लिए गेम प्ले खेलते हैं। मेरे साथ है अक्षय फ्रॉम अक्षय गेमिंग एंड हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा सा एक रेगुलर ड्रॉप के साथ, उसके बाद सेनाहॉक का बूट कैंप ड्रॉप करेंगे। सो लेट्स सी कैसे जा रहा है यहाँ पर परफॉर्मेंस डिवाइस का एंड कैसा रहेगा ओवरऑल इसका गेम प्ले। बस फ्रेम रेट तो 3940 के आसपास इनिशियली चल रहा है, जब हम ड्रॉप करेंगे तब देखेंगे कैसा जा रहा है इसका फ्रेम रेट, अभी के लिए तो काफ़ी स्टेबल लग रहा है, बट क्या पता, मतलब Helio G80 है एंड इसका GPU ठीक ठाक है, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट लेट्स सी। चलते हैं कोई रेगुलर थोड़ा सा नॉर्मल ड्रॉप पे। तो वैसे अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो हमारा यहाँ पर एक गिव अवे भी चल रहा है जहाँ पर हम पोको X2 स्मार्टफोन गिव अवे कर रहे हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है वो गिव अवे तो आप जाके हमारे चैनल पर पोको X2 गिव अवे चेकआउट कर सकते हैं हमारे स्ट्रीम सेटअप के साथ और आपको मिलेगा एक चांस पोको X2 जीतने का। डिवाइस थोड़ा सा ऑलरेडी वार्म हो चुका है स्मूथ एंड अल्ट्रा पर, स्मूथ एंड एक्सट्रीम हम इसको खींच सकते हैं थ्रू GFX टूल, बट शायद मैं यहाँ ना करूँ उसको और हम अलग से जब इसका लाइव स्ट्रीम टेस्ट करेंगे जो हम हर डिवाइस के साथ करते आ रहे हैं तब शायद मैं आपको दिखा पाऊँगा कि स्मूथ एक्सट्रीम क्या इस पर काम करेगा। तो वैसे थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत रहेगा हमें इसको कंट्रोल करने में, क्योंकि मतलब हमारे जो कंडीशंस होते हैं उसका थोड़ा खेलने का कंडीशन अलग होता है और ये जब हैंड कैम यूज़ करके हम खेलते हैं तो थोड़ा वो भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा तो लैग दिख रहा है, मतलब बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, 30 के आसपास भी आ रहा है।
तो गाइस यहाँ पर FPS मीटर का थोड़ा सा दिक्कत है यार। अभी तक तो मुझे FPS में प्रॉब्लम हो रहा है एक्यूरेटली दिखाने में। तो अभी के लिए जितना आप गेम पे देख सकते हो देख लीजिए, क्योंकि FPS के साथ मैं अलग से करूँगा वीडियो जब भी पॉसिबल होगा। अरे बस एक क्विक रिव्यू था, वैसे गेमिंग रिव्यू आप देख ही सकते हो यहाँ पर कितना सही चल रहा है। नहीं गेम मुझे तो अभी तक काफ़ी गुड इनफ लगा, मतलब विदाउट एनी इश्यू। और यहाँ पर गाइज ये क्यों कनेक्टेड है वायर अगर आपको पूछना हो तो, ये FPS मीटर मैं लैपटॉप पे चला रहा हूँ क्योंकि मेरा गेम बेंच का सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं गेम बेंच यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और जितना हो सके मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लैपटॉप से आपको दिखा दूँ इसका जो फ्रेम रेट है, इसका जो आउटपुट जाता है वहाँ पर वो आपको पता चलता है बेसिकली। तो फ्रेम रेट तो काफ़ी सही जा रही है, मैंने इतना तो कह सकते हैं कि यार मतलब काफ़ी कैपेबल डिवाइस है ये फॉर द प्राइस। मतलब 10,000 रुपये में अगर आपको ये मिल रहा है तो ऑब्वियसली ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। अगर थोड़ा हीटिंग का भी मैं आपको बताता हूँ वीडियो के चलते चलते ही, तो ये रहा इसका टेम्परेचर, 45.7 तक गया था और ये रहा 45 के आसपास था अभी जो आपने देखा था, दिस वॉज दी टेम्परेचर। ये देखिए ये है इसके आगे की तरफ और वो एरिया ज़्यादा हीट हो रहा है, मतलब होता ही है इतना तो होगा हीट क्योंकि ये एक तो डेटा भी भेज रहा है तो थोड़ा ज़्यादा हीटिंग रहेगा इसका। सो गाइज ये वीडियो ये गेम के बाद हम जाएंगे सनॉक का बूट कैम्प करने, और बूट कैम्प में बस फ्रेम रेट देखनी है हमें कि कैसे होता है। अगर आप एक ऐसे प्लेयर हो जो बहुत हार्ड रश खेलते हो और हॉट ड्रॉप्स करते हो तो सनॉक बूट कैम्प इज़ द वे टू टेस्ट इट, तो वो भी हम कर लेंगे और देखेंगे कि कैसा है उसका परफॉर्मेंस। एक बार ये वीडियो एंड होने से पहले वो भी हम बता देंगे। और टेम्परेचर का तो आपने देख ही लिया, बट एक बात ये भी है कि मैं आपको बैटरी ड्रेन यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा, बैटरी लाइफ तो इसको काफ़ी अच्छी होगा बट बैटरी ड्रेन नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये लैपटॉप से कनेक्टेड है अभी स्मार्टफोन इसके FPS टेस्ट के लिए। गाइस बीच में वीडियो बंद हो गया था यार, बेकार जा रहा है आज का वीडियो पता नहीं क्यों। और अगर आपको फिर भी देखना हो कैसा था बीच का परफॉर्मेंस आप अक्षय के वीडियो पर जाके चेक कर लीजिए यार, क्योंकि वो भी साथ में रिकॉर्ड ही कर रहा है इसको, तो उस टाइम पे हम बता सकते हैं कि कैसा है इसका परफॉर्मेंस। Marked a location. क्या यार शिट गाइस, हम यहाँ पर जीत नहीं पाए बट ठीक है यार, परफॉर्मेंस तो मुझे काफ़ी सही लगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं थी वहाँ पर गेम में और सब कुछ काफ़ी सही जा रहा था। अब कर लेते हैं एक सनॉक बूट कैंप ड्रॉप और उसके बाद हम एंड करते हैं इस वीडियो को अपने वर्डिक्ट के साथ। सो फार सो गुड मैं कहूँगा, इतना ख़राब नहीं था परफॉर्मेंस, मतलब ठीक ठाक था, यू कुड इजीली हैंडल थिंग्स यहाँ पर। बट टेम्परेचर आप देख रहे हो
47 एक्चुअली क्रॉस कर गया, ये देखिए यहाँ पर 47.6 इज द टेम्परेचर राइट नाउ, मतलब क्या ही गर्म हो रहा है डिवाइस एक ही कोने में, दूसरी जगह पे अभी भी 41-42 पूरे डिवाइस पर गया है, इसका मतलब है कि मतलब ठीक ठाक चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर है वो जो भी हीटिंग का इश्यू है। सो गाइस यहाँ पर अगर आप फ्रेम रेट देख पाओगे तो बड़ी बात रहेगी, एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं यार 30 के आसपास तो जाएगा ये स्मूथ अल्ट्रा, बट लेट्स सी कैसा जाएगा। और स्मूथ एक्सट्रीम अगर आपको चाहिए तो मैं वो करूँगा ओनली ड्यूरिंग माई लाइव स्ट्रीम, जहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली दिखा पाऊँ यार कि क्या इसका पॉसिबिलिटी है ग्राफिक्स का। तो अब फ्रेम रेट यहाँ पर देखिए 35, 37, 38 तो आ गई है, बट नॉट सो बैड। अब 20s में आ गई थी, एक बार के लिए फ्रेम ड्रॉप हुआ था 20s में और वापस ऊपर गया है, लेट्स सी जब एनिमीज और आसपास उतर रहे हैं। यहाँ पर अब देखते हैं, और डिवाइस काफ़ी हीट हुआ है यार, मेरा पता नहीं मेरा यूनिट क्यों इतना हीट हो रहा है, बट हो तो रहा है, क्लियरली हो रहा है। और जैसे मैंने कहा था ना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको 30 के आसपास रहने को, 30 के आसपास ही चल रहा है इसका फ्रेम रेट अभी भी। अभी भी फ्रेम ड्रॉप्स हो रही है, ऐसा लग रहा है एक बार भी ये 30 क्रॉस नहीं किया है फ्रेम रेट को। अब थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है एटलीस्ट, गैस अभी मैं एंड करने से पहले फिर से आपको टेम्परेचर एक बार दिखा, दिस इज द टेम्परेचर यार, 48 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर है इसका, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड यार, मतलब इतना हीट तो नहीं होना चाहिए डिवाइस, बट हो रहा है बिकॉज ऑफ द चिपसेट एंड वॉट एवर इट इज़। और 40 FPS ये इतना मेंटेन नहीं कर पाया था जब हम चैनल बूट कैम्प कर रहे थे, तो आप एक्सपेक्ट इतना ही कर सके होगे इससे। रेडमी 9 प्राइम इज़ नॉट अ बैड फोन फॉर गेमिंग, बट इट्स नॉट फॉर सम हॉट ड्रॉप्स एंड एवरीथिंग, इट्स फॉर ओनली क्लासिक एंड रेगुलर गेम्स, सो इतना हम कह सकते हैं। बट वैसे इसका आप लाइव टेस्ट के लिए वेट कीजिए, लाइव टेस्ट में तो मैं सब कुछ दिखा दूंगा आपको, तब इवन विद GFX टूल्स स्मूथ एक्सट्रीम हम करके दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, ये था एक फुल गेमिंग रिव्यू ऑफ द रेडमी 9 प्राइम, इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट भी हम अलग से ही करने वाले हैं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग जोश को, कीप द जोश हाई, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।